यहाँ पे बहुत सारे मंकीज है, तो वो फोन, सनग्लासेस, पर्स बहुत संभाल के रखिएगा अब जब भी आओ। आप बाहर वीडियोग्राफी कर सकते हो बट अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ओनली फोटो। कमाल की है, मतलब आपके मन से। तो आप जब भी शिमला आओ तो यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, तो सेकेंड डे हम जा रहे हैं अभी साइट सीइंग के लिए। तो एक यहाँ पे टेंपल है जो जाखू टेंपल, बहुत ही फेमस है हनुमान जी की मंदिर, तो हम वहाँ जाएंगे फर्स्ट दर्शन करके, फिर उसके बाद और भी साइट सीइंग करेंगे। वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ है, कल हमने 3-4 जगह मिस कर दिया, हमने बहुत लेट मतलब निकले थे तो इस वजह से। पहले हम टेंपल जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं और भी बहुत सारे साइट सीन है तो वहीं पे हम जाएंगे। पैर बहुत दुख गया है, हम चल नहीं पा रहे, तो रात को नींद भी पूरी नहीं होती, तो चलो चलते हैं अभी फिर से चढ़ना ऊपर है हमको, और ताकत नहीं बची है भाई साहब। किच्चर लगे हुए हैं अभी भी कल की। मॉर्निंग तो पहुंच गए हैं हम टेंपल, और ये सीढ़ियां अभी चढ़नी है जो कि ताकत ही नहीं बचे पता नहीं। चलो चलते हैं। अल्लाह, मेरे पैर ना कांप रहे पूरा। भाई साहब कितने सीढ़ियां हैं यहाँ पे, कल बहुत ज्यादा हो गया हम लोगों से, इसलिए चढ़ नहीं पा रहे। मुझे लगा हम पहुंच गए ऊपर, बट अभी ऊपर आके देख रहे कि अभी तो शुरू है, मतलब अभी भी और सीढ़ियां चढ़नी है हमको, बट हनुमान जी हमें दिख रहा है, तो चलो जय बजरंगबली। तो प्रसाद ले लिया है हमने चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे मंकीज है, तो वो फोन, सनग्लासेस, पर्स बहुत संभाल के रखिएगा अब जब भी आओ, और प्रसाद भी हमको भैया ने कहा जेब में रखने के लिए, तो हम जेब में डाल रहे हैं, डाल लिया, तो जब भी आप आओ केयरफुली। जय बजरंगबली। हो तो फाइनली हम ऊपर तक पहुंच गए हैं, यहाँ से आपको शिमला की व्यू भी दिखता है एकदम पीछे, और सबसे यहाँ की जो खास बात है जिसके लिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं वो है ये हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति। तो इसकी ऊंचाई मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट ये कमाल की है, मतलब बहुत लंबी आपको हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है, कमाल की है। और मतलब ये जो पहाड़ है, जो मंदिर है, ये 8000 फीट ऊंचाई पर ये पहाड़, ये मंदिर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं हनुमान जी की। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊपर, और ये है हनुमान जी की जो सबसे बड़ी स्टैचू है जिसके लिए लोग आते हैं दूर दूर से, तो कमाल की है ये स्टैचू। हो भाई साहब, बजरंगबली की कमाल की है ये मूर्ति।
तो चलो चलते हैं अंदर जाखू मंदिर। नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं आर्मी म्यूजियम, जो काफी फेमस है यहाँ। और यहाँ पे फ्री एंट्री है, बस आपको अपने आईडी दिखाने होते हैं बस, और कुछ नहीं, आराम से आप उसको वीडियो बना सकते हो। काफी खूबसूरत है ये, शिमला की काफी फेमस प्लेस है, साइड मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। तो ये हम आज विजिट कर रहे हैं, तो देखते हैं। आज मौसम थोड़ा मतलब क्लाउडी है, तो धूप नहीं है, ठंड भी है। तो देखो यहाँ पे टैंक्स लगे हुए हैं, 100 AM टिलरी फील्ड गन। देखो कैसे तोप लगा देते, ये काफी खूबसूरत और मतलब ग्रीनरी से भरे भरे इन्होंने बनाया है। इन्होंने बताया कि आप यहाँ बाहर वीडियोग्राफी कर सकते हो, बट अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ओनली फोटो, मतलब ओनली फोन से, नो कैमरा। पूरा म्यूजियम हमने घूम लिया, पूरा देखा, बहुत ही काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ आप जब भी आए तो आराम से आप घूम सकते हो। और यहाँ पे न्यूली ओपन किया है कि आप वार के जो एक्टिविटीज़ होती है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके लिए आपको अंदर अलग से 60 rupees चार्ज लगते हैं, तो 60 rupees चार्ज लग गए हमें, हमने वो एक्सपीरियंस किया। It was great. I mean, करना चाहिए आपको। तो उसमें एक 3D सीन, मतलब कारगिल की, कारगिल वार की आपकी फिल्म दिखाई जाते हैं 15 minutes की, और इसके साथ आप फायरिंग कर सकते हो। और उसका वो क्या है, बुलेट लॉन्चिंग, लॉन्चिंग का कुछ था, वो भी आप कर सकते हो। ग्रेट। और अभी हम आए हैं ये ग्लास हाउस, इसमें कैक्टस गार्डन है, वो आप विजिट करेंगे अंदर। मतलब म्यूजियम के अंदर वीडियो बनाना रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हमने अंदर वीडियो नहीं बनाया, तो अभी बाहर अलाउड। तो इस म्यूजियम के अंदर ट्रैफल भी है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो यहाँ पे कैफे। और यह है सुंदर बैठने का जगह, बहुत सुंदर टेबल भी लगा हुआ है, पीसफुल जगह है। ये गॉल्फ गॉल्फ गॉल्फ, अरे अरे खेलते वो ज्यादा ग्रीनरी नहीं है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर, म्यूजियम के बैक साइड है जहाँ पे पीछे गोल्फ कोर्स है। तो यहाँ से व्यू मतलब भाई साहब काफी व्यू है ना। और यहाँ मतलब सीधे बनाए मेरे रखे हुए, आप आराम से बैठे व्यू।
तो आ गए हम वहाँ स्टडी में और हम अंदर जाएंगे, टिकट ले लिया है तो पार्क हमें पड़ा टिकट तो शो है अंदर, शो होता है तो 2:15 का एक शो था जो कि फुल हो गया, तो 3 बजे की शो है तो अभी 50 मिनट हम लोगों को एक वेट करना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी टिकट परचेस कर लिया है और तो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ओल्ड है, ये बना है 1888 में तो काफ़ी ओल्ड है। तो हम जाएंगे विजिट करेंगे, शायद शो की वीडियो नहीं बना पाएंगे बट बाहर जितने भी हम वीडियो बना पाएंगे तो चलते हैं। चलो अंदर चलते हैं, इनसे एंट्री है ना? हाँ मेरे को पता नहीं है ना। हम अंदर से आ चुके हैं पूरा, तो कमाल की है, मतलब आपके मन सब। तो आप जब भी शिमला आओ तो यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये जो सामने गार्डन प्लेस है, ये जितने भी जहाँ भी आपको ऐसे ये ग्रस दिखेंगे उसके ऊपर चलना मना है, क्योंकि इसके नीचे सारे वाटर टैंक्स है और ऊपर इसके टेरेस के ऊपर भी वाटर टैंक्स है और कमाल का सिस्टम है। मतलब आप जब भी आओ तो आपको एक गाइड भी जाता है जो ये स्टडीज हॉल्स पूरा घुमाते हैं आपको और पूरा हिस्ट्री बताते हैं, तो आप आओ आपको मतलब मन भर जाएगा आपका। और एक चीज़ यहाँ पे, मतलब आफ्टर PhD के बाद जो पोस्ट डॉक्टर रिसर्च, हाँ रिसर्च जो पढ़ाई करते हैं वही यहाँ पे मतलब कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी से। लेकिन और एक चीज, उसके लिए कोई वैकल्टी नहीं है, खुद से सब कुछ होता है। यहाँ पे मतलब कोई वैकल्टी टीचर्स नहीं है, कोई पढ़ाने वाला एक्चुअली, मतलब हम बोले तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है यहाँ, और मतलब स्टूडेंट्स खुद पढ़ते पूरा लाइब्रेरी से, बुक से, मतलब कमाल की है। और आफ्टर PhD आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब PhD कंप्लीट करने के बाद। तो आज भी हम बैक साइड पे, तो यहाँ से शिमला की पूरा व्यू दिखता है जो कमाल की है। और ये बैक साइड पे भी जो व्यू है ना वो भी कमाल की है, काफ़ी सारे रूम्स दिखते हैं यहाँ से, मस्त बनाया है। कब बनाया भाव, सोच तू। 1885 काफी पुरानी है। तो ये है हमारे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज, तो हमें फॉलो कीजिए और भी डिटेल्स एंड अपडेट के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे।